तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं YouTube थंबनेल कैसे बनाएं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं साइज ले लेता हूँ, 80x45 का पेज ले लेते हैं। शिफ्ट के साथ डबल क्लिक और ये बॉक्स तैयार हो जाएगा। इसके अंदर हमें अपना क्रिएटिव रेडी करना है। सबसे पहले मैं मैटर टाइप कर लेता हूँ। मेरा मैटर है अर्निंग ऐप के ऊपर, तो EARNING ऐप। तो फॉन्ट ले लेते हैं फ्यूचरा, ये ठीक है। और दूसरी लाइन है मेरी 0% इन्वेस्टमेंट। तो रुपी है तो रुपी का सिंबल ले लेते हैं। मैंने डाउनलोड कर रखा है, ये था रुपी का सिंबल, इसको ऐड कर लेते हैं। ये है आपका 5.8, रुपये के सिंबल कर देते हैं 5.8। ठीक है, ये तो हमारा सिंबल। मेरी एक लाइन आएगी इसके अंदर मिनिमम 1 रुपीज रिडीम। एक लाइन ये हो गई, एक ही हो गई, थोड़ा ज़्यादा बड़े हो गए, छोटा कर देते हैं। एक लाइन और ऐड कर लेते हैं। तो ये है मेरा 2022 का बेस्ट एप्लीकेशन। ये तो क्या मेरा मैटर का है, तो इसे हिंदी में कर लेते हैं। यहाँ से हिंदी फॉन्ट ले लेता हूँ, ये छोटा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको तकरीबन 20 कर लेते हैं, 22 कर लेते हैं। ठीक है, ये तो क्या मेरा मैटर। अब इसको अलग अलग हाईलाइट करने के लिए इन्हें अलग अलग बना लेते हैं। तो हम यहाँ एक बॉक्स बना लेते हैं इसको हाईलाइट करने के लिए, एक बॉक्स इसको हाईलाइट करने के लिए बना लेते हैं और एक इसको हाईलाइट करने के लिए बना लेते हैं। बॉक्स के अंदर बॉक्स और बॉक्स। चल सबसे पहले इसको सेंट्रिकल कर लेते हैं, इसको मैं कर देता हूँ येलो। येलो ब्लैक दिखता है, ठीक है। आउटलाइन नन, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक वाइट दिखता है, इसको इसके साइड का कर देते हैं और इसको इसके बॉक्स के सेंटर में शिफ्ट के साथ थोड़ा छोटा, ठीक है। अब रह गया ये, इसको कर देते हैं थोड़ा सा रेड कर देते हैं। आउटलाइन नन, रेड अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, इसको थोड़ी शेड दे देता हूँ, थोड़ा सा इसको शिफ्ट के साथ ऊपर और शिफ्ट सेलेक्ट बॉक्स सीधे सेंटर, इसे एक बार इसके सेंटर में आ जाएगा। तो थोड़ा शिफ्ट के साथ छोटा कर देते हैं और इसको सेंटर कर देते हैं। राइट पर वाइट ठीक लगेगा, इसको शिफ्ट के साथ सेंटर। अब एक बैकग्राउंड ले लेते हैं अच्छा सा, स्काई ब्लू कर लेते हैं इसको,
स्काई ब्लू पर इसे वाइट कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किस कलर पे आपका क्या अच्छा लगेगा। यहाँ से इसको थोड़ी शेड, इसको कर देते हैं ब्लू, इसको थोड़ा सा इसको डार्क हो गया, इसको लाइट करते हैं थोड़ा। ये हो गया बैकग्राउंड, थोड़ा सा जगह बच रही है, ठीक है। अब तो इसमें एक इमेज डाल देते हैं थोड़ा अट्रैक्टिव सा बनाने के लिए। तो मैं एक मोबाइल की शेप बनाने जा रहा हूँ। मोबाइल की शेप के लिए मैं इसको 20x40 एम एम का बना लेते हैं, थोड़े से कॉर्नर राउंड कर लेते हैं। ओके, मोबाइल की शेप कुछ ऐसी होती है, तो थोड़ी शेप और करेक्ट कर लेते हैं इसके लिए। यहाँ से काउंटर ज़्यादा हो गया, 1 mm का 0.5 कर लेते हैं, ये हो गया काउंटर। इसके ऊपर एक वो होता है आपका कैमरे का, वो बना देते हैं इसको वाइट ब्लैक ब्लैक, हो गया आपकी फ़ोन स्क्रीन। अब इसमें मैं अपना स्क्रीन शॉट डाल देता हूँ, स्क्रीन शॉट एरा, इसको ड्रैग, और छोटा कर लेते हैं, शिफ्ट सेलेक्ट सेंटर इक्वल, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक। और इसको इसके अंदर पावर कर लेते हैं, ये हो गया हमारा फ़ोन रेडी। तो ग्रुप सीधा फ़ोन अच्छा लगेगा तो उसे थोड़ा सा एंगल दे देते हैं, अब रह गया इसमें लोगो डाल देते हैं। लोगो मेरे पास होगा ये रहा, लोगो PNG फॉर्म में है। लोगो का जो है फ़ायदा ये होता है, थंबनेल देख के पता लग जाता है आपके चैनल का, तो अपना लोगो डाल देना चाहिए। ये मैंने लोगो डाल दिया और ये मेरा थंबनेल रेडी है। इसके JPEG बना लेते हैं, सेलेक्ट कंट्रोल ई और एक्सपोर्ट। तो मेरा थंबनेल हो चुका है रेडी। इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं, ये है मेरे पास कुछ 1.8 MB का, ठीक है। इसे ये चेक कर लेते हैं यूट्यूब पर, तो कुछ ऐसे दिखेगा आपको इंटरफेस इसका। लोगो तो थंबनेल आपका जितना सिंपल अट्रैक्टिव होगा उतना तो ज़्यादा उस पर क्लिक बेट आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही।